मॉर्निंग क्लास फर्स्ट, ओपन योर इंग्लिश बुक एंड ओपन चैप्टर सेकेंड। चैप्टर सेकेंड एट द जू हमने कंप्लीट किया था। इसमें हमने जू के बारे में पढ़ा था। कनिका अक्षत जू जाते हैं, उन्हें बहुत सारे एनिमल्स दिखाई देते हैं। इसमें हमने इसकी एक्सरसाइज बुक में, नोटबुक में, दोनों में की थी। इसमें हमने वर्ड मीनिंग भी किए थे। इसमें लेट्स जो रीड है, आपका ग्रामर वाला पोर्शन है पेज नंबर 16 में। इसमें आपने ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन इसमें करेक्शन करना है। यहाँ पे हमने देयर इज़ किया था, तो अब इसको सही करके देयर आर कर देना, ठीक है। वैसे मैंने उस दिन भी बता दिए थे प्रीवियस वीडियो में। आगे हम जाते हैं, आगे है व्हाट डू वी कॉल द यंग वंस ऑफ दीज एनिमल्स, चूज़ वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। आपके पास बॉक्स में यहाँ पे कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, आपने बताना है कि कौन से एनिमल्स का कौन सा बेबी है। तो लायन है, लायन का बेबी को क्या कहते हैं, लायन के बेबी को हम कहते हैं कब। डॉग है, डॉग के बेबी को हम कहते हैं पपी। कैट है, कैट के बेबी को हम कहते हैं किटन। एंड काओ के बेबी को हम कहते हैं काव। ओके, तो इस तरीके से आप अपनी नोटबुक में, अपनी बुक में ही इसे फिल करेंगे। अब आता है लेट्स टॉक। लेट्स टॉक में हम देखते हैं बच्चा, यहाँ पे देखिए, टेल योर पार्टनर अबाउट द फनी थिंग्स दैट द मंकीज आर डूइंग इन द पिक्चर। आपको दो मंकी की पिक्चर दिखाई दे रही हैं, अब आपस में बात करिए या खुद देखिए कि पिक्चर में हो क्या रहा है। तो फर्स्ट पिक्चर में आपको दिखाई देगा अ मंकी ईटिंग अ बनाना। एक बंदर है, वो क्या खा रहा है, केला खा रहा है। देन सेकेंड पिक्चर में अ मंकी इज डांसिंग, बंदर क्या कर रहा है, डांस कर रहा है। अब देखिए लेट्स राइट है, राइट अ सेंटेंसेस फॉर ईच पिक्चर दैट यूजिंग दैट वन हैज़ बीन डन फॉर यू। आपने दैट का यूज़ करना है, जैसे आपने प्रीवियस क्लास में भी दिस और दैट का यूज़ किया होगा। जैसे यहाँ पे पिक्चर है बॉल की, तो दैट इज़ अ बॉल। पिक्चर है कार की, तो यहाँ पे आएगा दैट इज़ अ कार। फिर पिक्चर है थर्ड में बुक की, तो दैट इज़ अ बुक। फोर्थ में पिक्चर है मून की, तो दैट इज़ अ मून। एंड फिफ्थ दैट इज़ अ पेन। तो ये आप अपने बुक में ही फिल करेंगे। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर सेकेंड कंप्लीट होता है। हमने ये बुक में पूरा फिल करना है, तो आज हम इतना ही करेंगे। ओके।